नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इजवीज का जो वाईफाई वाला कैमरा जो आता है उसके बारे में। आप उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको अपने मोबाइल के अंदर कैसे आप डाउनलोड करोगे और उसका कैसे अपने मोबाइल के अंदर ऐड करने का है और कैसे आप उसको ऑपरेट करोगे। दोस्तों, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको इजवीज का जो वाईफाई वाला जो कैमरा आता है दोस्तों, जिसका मॉडल नंबर है C6N, उसके फीचर्स वगैरह मैंने आपको बताए थे कि उसके फीचर्स वगैरह। और अब मैं आपको उसका एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर कैसे डाउनलोड करने का है, उसके अंदर अकाउंट कैसे बनाने का है, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। चलिए चलते हैं दोस्तों। प्ले स्टोर के अंदर जाने का है अपने को, और प्ले स्टोर के अंदर अपने को डाउनलोड करने का है सॉफ्टवेयर। ये देखिए, हम प्ले स्टोर के अंदर आ गए हैं दोस्तों, और यहाँ प्ले स्टोर में अपने को टाइप करना है इजवीज। ये देखिए इजवीज, यहाँ पे लिंक बाकायदा दिया ही हुआ है आपको। अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया है तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, और जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है वो लोग यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे इसका जो एप्लीकेशन है उसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको अब तक इंडिया के अंदर डाउनलोड किया हुआ है। देखिए, इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, तो ये जो इजवीज वाला जो सॉफ्टवेयर है ये मेरे डेस्कटॉप में, यहाँ पे आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पे आइकन है फर्स्ट रो से सेकंड रो जो स्टार्टिंग हो रहा है उसमें फैलाई ऑप्शन दिया हुआ है इजवीज। यहाँ से एप्लीकेशन को ओपन करने का है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछेगा। अगर आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट ए न्यू अकाउंट, यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर अपने को आपको जो भी आपका दोस्तों नाम है वो नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हो, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑफ रीजनल, आप कौन सी कंट्री में हो आपको वो कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करना है। सपोज करिए मैं इंडिया में रहता हूँ और मैंने यहाँ से इसको इंडिया सिलेक्ट किया, उसके बाद में सेव। उसके बाद में यहाँ पे मेल आईडी डालने का है, आपके पास जो भी मेल आईडी है गूगल का मेल आईडी होना चाहिए, यहाँ पर अलग से गूगल का मेल आईडी चलेगा इसके अंदर, इन्फो तारा VISION paravision9@gmail.com। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने अपने ईमेल आईडी डाल दिया है, और ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ से आप इसको कंटिन्यू करोगे, ठीक है। ये आपको एग्रीमेंट के लिए पूछेगा, जैसे यहाँ से आप आई एग्री करोगे तो आपका जो मेल आईडी है, सॉरी, जो यहाँ से आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पूछेगा, यहाँ से आपको पासवर्ड क्रिएट करने का है, और जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट करोगे और क्रिएट अकाउंट करोगे तो आपका जो मेल आईडी है, मेल आईडी के ऊपर इसका एक ओटीपी है, वो मेल आईडी के ऊपर जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने अभी जस्ट 5 सेकेंड के पहले ही मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया था। ये देखिए सिक्योरिटी कोड इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी कोड, ये सिक्योरिटी 4 डिजिट का सिक्योरिटी कोड जो है वो आपके मेल आईडी पे आएगा, वो 30 मिनट के लिए वैलिड रहता है, 30 मिनट के लिए। चलिए अभी हम अपना जो सॉफ्टवेयर है उसकी तरफ चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन किया, और जो आपका यहाँ पे पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल के आप यहाँ से आसानी से इसको लॉगिन कर सकते हो। और दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आया है, प्लीज़ मेरा जो वीडियो है उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वारी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा जो इजवीज वाला जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से ओपन हो चुका है, और यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे देखिए इजवीज के जितने भी कैमरे अपने मार्केट के अंदर कैमरे अवेलेबल हैं, कैमरा है, डोर व्यूवर है, वीडियो डोर वेल है, NVR है, स्मार्ट बल्ब भी आते हैं, अलार्म सेंसर भी है, राउटर भी है, वो काफ़ी चीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल है। यहाँ से अभी हम स्कैन करते हैं अपने कैमरे को। ये देखिए ये मेरा कैमरा है, मैंने आगे वीडियो में भी आपको दिखाया है। इसके नीचे छोटा सा बारकोड है, आपको यहाँ से इसको स्कैन करने का है दोस्तों। ये देखिए ये स्कैन हो गया, काफ़ी आसान है। और यहाँ पे आप देखोगे मोबाइल में डिवाइस पावर इज पावर ऑन, मैंने अपना जो कैमरा है उसका पावर ऑन कर दिया है। और यहाँ से नेक्स्ट, अभी आप देखिए इसमें बोले पावर ऑन डिवाइस एंड वेट इनटिल स्टार्ट कम्युनिटी इंडेक्स फ्लैक्स ब्लू लाइट। मेरा जो कैमरा है दोस्तों उसके अंदर ब्लू लाइट जो है वो ब्लिंक हो रहा है। यहाँ से नेक्स्ट करने का है। आपके पास आपका जो वाईफाई है उसका पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे आपको आपका जो वाईफाई है उसका पासवर्ड डालने का है दोस्तों। आप जैसे ही यहाँ से अपना वाईफाई का पासवर्ड डालोगे, और वाईफाई का पासवर्ड डालना है, देखिए यहाँ से मैंने वाईफाई का पासवर्ड डाला, और अब ये प्रोसेसिंग जो है वो चालू हो गया है। प्रोसेसिंग इसके अंदर होना, वो अभी चेक करेगा आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, कनेक्टिविटी प्रॉपर है, वो सब चीज़ इसमें चेक करें। देखिए आपका जो कैमरा है उसके अंदर एक छोटा सा माइक दिया हुआ है, आप उसका भी वो भी कैमरा जो है वो प्रॉपर बोलेगा कि आप वाईफाई में कनेक्ट हुए हो। देखिए कैमरा भी बोल रहा है, पासवर्ड भी, रजिस्ट्रेशन अपना सक्सेसफुल हो गया है। अगर आप पासवर्ड रॉन्ग डालोगे तो कैमरे के अंदर जो स्पीकर जो दिया हुआ है उधर से वो आपको इन्फॉर्म करेगा। देखिए ये मेरा कैमरे का जो था ये प्रॉपर मेरा काम करना, इसने वर्क कर दिया है। और उसका जो डिस्प्ले है, मेरा जो कैमरे के ऊपर डिस्प्ले आना इसका स्टार्ट हो गया है। अभी जो ब्लेड जो आ रहा है इधर कैमरे के सामने, ये देखिए अभी देखिए क्लियर हो गया है व्यू, या व्यू टू डिवाइस। देखिए दोस्तों इसको मैंने आपको, इससे जो पहले मैंने आप वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया ही था आपको कि आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। अगर आपके पास मेमोरी कार्ड नहीं है तो आप क्लाउड के ऊपर इजवीज का जो क्लाउड है उसके अंदर भी आप इसका जो रिकॉर्डिंग है वो सेव कर सकते हो। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है एक्सटर्नल फ्री ट्रायल 30 डे, 7 दिन 30 डे के लिए फ्री ट्रायल वर्जन दिया हुआ है, और स्टार्ट 7 डे ट्रायल। आपको ट्रायल करना है तो ट्रायल कर सकते हो, नहीं तो उसके अंदर जो भी आपको 32 GB 64 GB का जो भी मेमोरी कार्ड आपको इंसर्ट करना है वो मेमोरी कार्ड भी उसके अंदर इंसर्ट आप कर सकते हो। देखिए दोस्तों ये कैमरा जो है ऑन हो चुका है। अभी मैं ये सब फीचर्स आपको बता देता हूँ क्योंकि अपना जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ पे पहला फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वीडियो हिस्ट्री है। आप वीडियो हिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो क्लाउड का है, सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे अपना मेमोरी कार्ड का सिंबल बना हुआ है, तो वो मेमोरी कार्ड के अंदर रिकॉर्डिंग होता है। अभी मैंने मेमोरी कार्ड लगाया नहीं है इसलिए मेमोरी कार्ड के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो अभी क्लाउड पे जो 7 डे है वो क्लाउड पे ऑटोमेटिक लिया है उसने यहाँ से बैक। सेकंड जो ऑप्शन है, आपको अगर फोटोस उसका जो फ़ोटो लेना है तो आप फ़ोटो ले सकते हो, और जो उसका जो फ़ोटो है आपके मोबाइल के अंदर सेव होगा। थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, ये जो थर्ड जो ऑप्शन है वो रिकॉर्डिंग के लिए है। अगर आपको कोई भी लाइव वीडियो अपने मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। थर्ड जो ऑप्शन है यह है पेंटिल। पेंटिल मतलब कि आपको कैमरे को आप लेफ्ट, ये राइट, और ये देखिए मैंने आपको बताया ही था कि ये 360 है। देखिए देखिए ये 360 है, मैं अभी इसको पूरा आपको मूव करके दिखा रहा हूँ। आप जिधर भी कर्जर लेके जाओगे वो हिसाब से कर्जर अपना चलेगा।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम भी है। अगर आपको ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम पे रखना है तो आप इसको ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम पे भी रख सकते हो। जब भी कैमरे के सामने कोई भी ह्यूमन डिटेक्ट करेगा तो कैमरा ऑटोमेटिक मोशन होगा, तो ऑटोमेटिक कैमरा अपना मूव करेगा। ये काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया हुआ है कंपनी ने इसके अंदर। यहाँ से बैक, ये यहाँ से आपको मल्टीपल कैमरे अगर आपको ऐड करना है तो आप मल्टीपल भी कैमरे ऐड कर सकते हो। यहाँ प्लस सेम और यहाँ से आप क्लिक करोगे बारकोड पे तो यहाँ से दूसरा भी कैमरा आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हो। और उसके बाद में आपको जो पहले आपका कैमरा पहले से ही यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे पेंटिल के बाद में आप देखोगे यहाँ स्पीकर का भी है। आप यहाँ पे क्लिक, यहाँ स्पीकर में आपको जो उसका वॉल्यूम सामने वाले का है वो आपको यहाँ पे परफेक्ट आपको सुनाई देगा। और अगर आपको डिस्टेंस, अगर देखिए क्वालिटी आपको चेंज करने का है, मैंने अल्ट्रा HD पे किया हुआ है। हाई डेफिनेशन भी है उसके अंदर, स्टैंडर्ड भी है, स्टैंडर्ड पे करना है कर सकते हो आप। ठीक है ना, बाकी का सेटिंग इसका इधर आप यहाँ पे सब सेटिंग दिया हुआ है। ऑडियो आपको चाहिए नहीं चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हो। स्टेटस लाइट आपको चाहिए, अगर आपको मैंने जो फीचर्स है वो सब इनेबल किया हुआ है। अलार्म नोटिफिकेशन का भी है, अगर आपको अलार्म नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। टाइम जोन का भी ऑप्शन है, आप कौन से वाईफाई में कनेक्टेड हो यहाँ पे आपको दिखाएगा। स्टोरेज के लिए यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने मेमोरी कार्ड आकर कनेक्ट किया है तो यहाँ से आपको दिखाएगा। और ये अपना इमेज इनक्रिप्ट चेंज, अगर आपको इमेज चेंज करना है, सपोज करिए अगर आपको वॉल पे लगाना है और उसका जो पिक्चर्स है वो अभी क्या है, आप टेबल पे रखोगे तो कैमरा तो बराबर आएगा, अगर आप सीलिंग पे ऊपर लगाओगे तो उसका जो पिक्चर्स है वो उल्टा आएगा। आप यहाँ से इनक्रिप्ट पे क्लिक करो, सॉरी आप यहाँ पे फ्लिप टू इमेज में जाओगे, फ्लिप टू इमेज के अंदर जान के आप उसको चेंज कर सकते हो उसका इमेज को। ये देखिए मैंने इसका जो है ना इमेज अभी चेंज किया है, तो मैं इसको एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये अभी पूरा का पूरा जो इमेज है वो अपना चेंज हो गया है इसके अंदर। ये देखिए अभी आप इसको वॉल पे लगाओगे तो आपको एकदम परफेक्ट इसका विजन आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ये वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।